सुल्तानपुर लूट केस में मंगेश यादव पर एसटीएफ एक्शन के बाद डीएसपी डीके शाही की चप्पलों को लेकर खूब राजनीति हुई थी। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इन चप्पलों को आधार बनाकर न सिर्फ एसटीएफ बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए खूब सवाल उठाए। विपक्ष का सवाल था कि आखिर अपराधी को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम चप्पल पहनकर कब से ऑपरेशन करने लगी। अब तक इसका जवाब साफ तौर पर किसी की भी तरफ से नहीं दिया गया था, लेकिन अब एसटीएफ प्रमुख एडीजी अमिताभ यश ने इन चप्पल वाली थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज करते हुए सच्चाई का खुलासा किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को हुए डकैती कांड के बाद से यूपी की राजनीति में गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। पहले तो डकैती की घटना को प्रदेश में व्यापारियों के लिए असुरक्षित माहौल के तौर पर पेश किया गया। इसके बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई, मामले की जांच में यूपी एसटीएफ को जोड़ा गया, कार्रवाई शुरू हुई, आरोपी मंगेश यादव पर एक्शन हुआ जिस पर राजनीतिक पारा हाई हो गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती तक इस मुद्दे पर हमलावर दिखी। सवाल एसटीएफ के एक्शन पर था, जो जवाब एडीजी और यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की तरफ से आया। 28 अगस्त को आभूषण दुकान में डकैती के 9वें दिन सुल्तानपुर में आरोपी मंगेश यादव पर तगड़ा एक्शन लिया गया। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्रवाई को फर्जी बता दिया। मंगेश के परिजनों ने भी इस पर सवाल उठाए। कार्रवाई के बाद यूपी एसटीएफ की टीम की फोटो ने मसले पर और भूचाल मचा दिया। एसटीएफ डीएसपी डीके शाही और अन्य पुलिसकर्मी चप्पल पहने हुए स्पॉट पर खड़े दिखे। इसके बाद से कई सवाल खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पुलिस अफसर और सिपाही एक खतरनाक अपराधी का पीछा करने के लिए चप्पल पहनकर इतने कैजुअल तरीके से कैसे चले गए। सवाल ये भी कि कैसे एसटीएफ की टीम ने मेन रोड से नीचे बारिश के इस मौसम में कीचड़ भरी सड़क पर चप्पल पहनकर इतने खूंखार अपराधियों का पीछा किया। कैसे सटीक निशाना लगाकर बाइक पर जा रहे दो में से एक अपराधी यानी मंगेश यादव को ढेर किया। इस दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट तक न होने की बात कही गई। यूपी एसटीएफ टीम के कैजुअल ड्रेस में तस्वीरों पर राजनीतिक संग्राम मचा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। मंगेश का एक विशेष जाति होने के कारण एक्शन लेने पर बात कही गई। इस मामले में दर्ज एफआईआर में कहा गया कि मंगेश सुल्तानपुर रोड से गुजरने वाला था, खुफिया सूचना पर कार्रवाई की गई। वहीं एडीजी अमिताभ यश ने मंगेश पर एक्शन को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए किया गया है। एसटीएफ परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई को अंजाम देती है। जंगल के ऑपरेशन में अलग तरह के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। खुफिया एक्शन में एसटीएफ के लोग गंजी और लुंगी पहनकर भी जाते हैं। उन्होंने मंगेश एनकाउंटर की वायरल तस्वीरों को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि मंगेश यादव एनकाउंटर के दिन अधिकारी का जूता कीचड़ में गीला हो गया। एडीजी अमिताभ यश ने कहा कि मंगेश यादव पर लिए एक्शन के बाद कुछ फोटो वायरल हो रहे थे। इस मामले को लेकर हमने संबंधित अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि फोटो सूर्योदय के समय का है। अपराधी से एनकाउंटर की घटना 3:30 बजे हुई थी। दोनों में लगभग 3 घंटे का अंतर है। एडीजी को अधिकारियों ने बताया कि उनका जूता कीचड़ से सन गया था, इसीलिए उन्होंने गाड़ी में रखी अपनी चप्पलों से बदल लिया। इसे हम लोग कोई मुद्दा नहीं मान रहे थे। अपराधियों के खिलाफ जब एक्शन होता है तो समय के आधार पर एसटीएफ रणनीति तैयार करती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।